हेलो नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा चैनल टेक्नो नॉस्टैल्जिया में। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आकाश शर्मा और आज मैं रियलमी 8 5G फ़ोन का टॉप 10 टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर आप अगर न्यू आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहला फीचर की बात करें तो कन्वीनियंस टूल के अंदर है। सिंपली दोस्तों, यहाँ पे सेटिंग में जाना है, स्क्रॉल डाउन कीजिए और यहाँ पे दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कन्वीनियंस टूल करके। इस पर सिंपली टैप करना है। टैप करने का दोस्तों यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन है गेसर एंड मोशन, इस पर टैप करना है और सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा स्क्रीन ऑफ गेसर। इस पर टैप करने का दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका ऑफ रहेगा। ओके, इसे ऑन कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको काफ़ी सारा ऑप्शन मिल जाता है। ये देखिए, सबसे पहला है डबल टैप टू टर्न स्क्रीन ऑन। इसे आप अगर ऑन कर देते हैं तो आपका स्क्रीन जब लॉक रहेगा, इस तरीके से डबल टैप कीजिएगा तो स्क्रीन ऑन हो जाएगा। ओके, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रॉ ओ टू ओपन कैमरा है। आप अगर इसे ऑन करते हैं, स्क्रीन ऑफ है, इस तरीके से ओ ड्रॉ कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए कैमरा ओपन हो जाएगा। तो काफ़ी कमाल का फीचर है फ्रेंड्स। और इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रॉ वी टू टर्न ऑन फ्लैश लाइट है। आप अगर इसे ऑन करते हैं, स्क्रीन लॉक है, इस तरीके से वी ड्रॉ कीजिएगा तो यहाँ पे फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और यहाँ पे पावर बटन जैसे ही प्रेस कीजिएगा ये फ्लैश लाइट ऑफ हो जाएगा, ये देखिए। ओके, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे म्यूज़िक कंट्रोल करके एक ऑप्शन मिल जाता है। इसे आप अगर ऑन कर देते हैं तो आपका स्क्रीन जब लॉक रहेगा उस पर भी दोस्तों आप काफ़ी हद तक म्यूज़िक को कंट्रोल कर सकते हैं। और इतने ही दोस्तों, मोड के ऑप्शन में यहाँ पे ऐड गेसर करके एक ऑप्शन मिल जाता है। इसमें दोस्तों यहाँ पे अलग अलग तरीके का यहाँ पे मोड दिया गया, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रॉ डब्लू, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए स्टार एन ऐप है, तो इस पर आप टैप करते हैं तो क्या एप्लीकेशन चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ पे देखिए जीमेल ऑन कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे सिंपली बैक करता हूँ, ये देखिए लॉक है। डब्लू इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर मेरा जीमेल आईडी ओपन हो जाएगा, ये देखिए ओपन हो गया। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। और दोस्तों ये वाला पेज आप अगर बैक करते हैं तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं थ्री फिंगर टू टेक स्क्रीन शॉट है, आपका ये ऑफ है तो ऑन कर लीजिए। इस तरीके से थ्री फिंगर को स्वाइप कीजिएगा तो यहाँ पे स्क्रीन शॉट आ जाएगा, जिसमें दोस्तों आपको स्क्रॉल करना है तो आप अपने हिसाब से स्क्रॉल करके यहाँ पर एडिट वगैरह करके भी सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एडिट का ऑप्शन आ गया, आप अपने हिसाब से यहाँ पर मार्क वगैरह करके टेक्स्ट वगैरह लिख के भी दोस्तों यहाँ पर सेंड कर सकते हैं। और उसी के नीचे दोस्तों यहाँ पे टच एंड होल्ड विथ थ्री फिंगर टू टेक स्क्रीन शॉट करके ऑप्शन आ जाता है। ये बेसिकली ये है कि थ्री फिंगर इस तरीके से टैप एंड होल्ड करके रखिएगा तो यहाँ पे आपको एक लाइन मिल जाएगा, आप अपने हिसाब से दोस्तों क्रॉप करके स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। ये भी दोस्तों काफ़ी कमाल का फीचर है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं राइज टू वेक करके एक ऑप्शन मिल जाता है, ये ऑफ है तो ऑन कर लीजिए। इससे ये होगा कि फ़ोन अगर टेबल पे पड़ा है, कहीं पे पड़ा है, फ़ोन को जैसे ही हाथ में उठाइएगा ये लाइट ऑटोमेटिकली जल जाएगा। ओके, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऑटो एयर पिकअप कॉल करके ऑप्शन मिल जाता है, इसे ऑन करिएगा तो फिर कान के सामने ले जाते ही फ़ोन रिसीव हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों सेम उसी तरीके का फीचर दिया गया है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल करके एक ऑप्शन मिल जाता है, इसे ऑन कर लीजिए। आपको अगर काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा है कि कोई कॉल कर रहा है बार बार, तो आप इस तरीके से सिंपली फ़ोन को स्विच कर दीजिए। फ्लिप करते ही दोस्तों यहाँ पे म्यूट हो जाएगा फ़ोन, और कॉल आएगा भी तो दोस्तों फ़ोन में कोई भी वाइब्रेशन, कोई भी साउंड नहीं होगा। तो काफ़ी कमाल का फीचर है फ्रेंड्स। और यहीं दोस्तों आप अगर बैक करते हैं तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारा और भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखिए नेविगेशन है, इसके अंदर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले दिन से थ्री बटन देखने को मिल जाता है, रिसेंट बटन, होम बटन, बैक बटन। ये आपको नहीं चाहिए, फुल स्क्रीन मोड चाहिए। सिंपली स्वाइप गेसर फ्रॉम बोथ साइड इनेबल कर दीजिए और यहाँ पे फुल स्क्रीन मोड हो जाएगा। आपको अगर होम में जाना है, इस तरीके से स्वाइप अप कीजिए, होम में चल जाइएगा। रिसेंट बार ओपन करना है, इस तरीके से स्वाइप एंड होल्ड कीजिए, यहाँ पे रिसेंट बार ओपन हो जाएगा। और कोई भी एप्लीकेशन से बैक करना है, इस तरीके से स्वाइप लेफ्ट या फिर राइट कीजिए, बैक होते हुए निकल जाएगा। तो और उसके बाद यहाँ पे दोस्तों गेसर एंड मोशन का ऑप्शन मैं बता दिया आपको, स्क्रीन शॉट का भी ऑप्शन है यहाँ पे, जो थ्री फिंगर इनेबल कर लीजिएगा। साउंड वगैरह चाहिए कि नहीं यहाँ पे आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, जो कि स्क्रीन शॉट के अंदर भी काफ़ी सारा फीचर दिया गया है। और यहाँ पे दोस्तों स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है, जो कि काफ़ी कमाल का फीचर है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं माइक्रोफोन का साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्ड करते वक्त सिस्टम साउंड को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, यहाँ तक कि दोस्तों एक साथ दोनों का भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि काफ़ी कमाल का फीचर है। यहाँ पर वीडियो रेजोल्यूशन की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं 720p 1080p तक हाई लेवल पे यहाँ पे वीडियो रेजोल्यूशन मिलता है। ओके, और भी दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग का काफ़ी सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है।
उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक कमाल का फीचर देखने को मिल जाता है SSD बॉल करके। इस पर दोस्तों टैप करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं SSD बॉल आपका ऑफ रहेगा। ओके, इसे ऑन कर लीजिए। ऑन करने का दोस्तों यहाँ पे टैप मेनू है, इस पर आपको टैप कर देना है। टैप करने का दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बबल आ चुका है। ओके, मतलब सर्कल टाइप का। आप जब इस पर टैप करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं बैक बटन है और यहाँ पे स्क्रीन शॉट है, रिसेंट बार है, लॉक करना है स्क्रीन को, लॉक पे प्रेस कर दीजिए, स्क्रीन लॉक हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे आप SSD बॉल को इनेबल कर सकते हैं। आपको अगर डिसेबल करना है इसे टैप कर दीजिए, डिसेबल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं क्विक स्मार्ट बबल करके एक ऑप्शन मिल जाता है, इसे आप इनेबल कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्मार्ट साइड बार करके एक ऑप्शन मिलता है। ये दोस्तों काफ़ी कमाल का फीचर है, जैसे कि आप अगर इसे ऑन करते हैं तो यहाँ पे आपको एक लाइन आ जाएगा। इस तरीके से स्वाइप लेफ्ट कीजिएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बता रहा है। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे आपको एप्लीकेशन मिल जाता है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारा और भी फीचर देखने को मिल जाता है, मतलब एप्लीकेशन ऐड कर सकते हैं, जिस जो आपको ज़रूरत है यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये देखिए कुछ इस प्रकार से। तो काफ़ी कमाल का फीचर दिया गया है स्मार्ट स्लाइड बार में। तो आपको अगर शॉर्टकट चाहिए तो इस तरीके से स्मार्ट स्लाइड बार लगा सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों स्प्लिट स्क्रीन का भी ऑप्शन मिलता है। आप लोगों का काफ़ी क्वेश्चन रहता है कि फ़ोन में स्प्लिट स्क्रीन है या नहीं है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। आपको कुछ नहीं करना है, थ्री फिंगर को स्क्रीन शॉट जैसे स्वैप डाउन किए थे, स्क्रीन शॉट नहीं लेना है, स्वैप अप करना है। इस तरीके से स्वैप अप कीजिएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। तो आप अपने हिसाब से दोस्तों यहाँ पर दो काम एक साथ कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों गूगल SSD विद पावर बटन करके एक ऑप्शन मिल जाता है। आप अगर इसे ऑन कर देते हैं तो यहाँ पे आप पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखिएगा तो ये गूगल असिस्टेंट ऑन हो जाएगा। तो काफ़ी कमाल का फीचर है फ्रेंड्स, आपको अगर इसे इस्तेमाल करना है तो कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो फ्रेंड्स पर्सनलाइजेशन के अंदर है, सेटिंग के अंदर दोस्तों यहाँ पे आपको पर्सनलाइजेशन है, इस पर टैप करना है। टैप करने का दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारा ऑप्शन है। ओके, यहाँ पे देखिए थीम सेलेक्ट कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, यहाँ पे एग्री एंड कंटिन्यू कीजिएगा। नेटवर्क रहना चाहिए, उसके बाद दोस्तों आप अपने हिसाब से यहाँ पे थीम सेलेक्ट कर सकते हैं, वॉलपेपर सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए आइकॉन स्टाइल है ना, इसे दोस्तों आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, जैसे कि डिफॉल्ट है। ओके, यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से स्टाइल मिल जाएगा, पबल करके ऑप्शन मिल जाता है। और कस्टम कर सकते हैं आप अपने हिसाब से दोस्तों, यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं आइकन को, यहाँ पे बड़ा छोटा कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों ऐप नेम है, आपको ऐप नेम का वो साइज जो है उसे दोस्तों एडजस्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है। और इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे आपको ऐप लेआउट करके ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आप अगर टैप करते हैं, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे 5 एप्लीकेशन है। ओके, आपको अगर यहाँ पे माइनस कर दीजिएगा तो यहाँ पे देखिए 4 हो गया। ओके, प्लस कीजिएगा तो 5 हो गया। और भी दोस्तों ऐड करना है तो इस तरीके से ऐड या फिर घटा सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर रॉ सेलेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी कमाल का फीचर है। उसी के साथ दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आप अगर टैप करते हैं तो यहाँ पर आप अपने ड्रॉअर में जैसे देख सकते हैं ये ब्लू कलर है, इसे दोस्तों आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए रेड कर दीजिएगा, रेड करके दोस्तों यहाँ पे अप्लाई कर दीजिएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा चीज़ रेड हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कलर, जो कि काफ़ी कमाल का फीचर दिया गया है। तो यहाँ पर अभी मैं ब्लू ही कर देता हूँ, ये देखिए फिर से ब्लू हो गया। और इतने ही दोस्तों यहाँ पे फ्रंट एंड डिस्प्ले साइज का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे फ्रंट वगैरह सेट कर सकते हैं और यहाँ पे जो डिस्प्ले का साइज है उसे दोस्तों आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसके दोस्तों यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन ड्रॉवर करके ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आप अगर टैप करते हैं तो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन ड्रॉवर है ये जैसे सर्कल है। ओके, आपको स्क्वायर शेप में करना है, स्क्वायर शेप कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए स्क्वायर शेप हो गया है। और इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपको काफ़ी सारा ऑप्शन मिलता है, आप अपने हिसाब से स्टाइलिश सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे जब आप ये एप्लीकेशन ओपन करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैनेज करके एक ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आप अगर टैप कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए शॉर्ट का ऑप्शन मिल जाता है, शॉर्ट पे टैप कीजिएगा, इंस्टॉल टाइम करके ऑप्शन मिल जाता है। आप अगर इसे ऑन कर देते हैं तो जो भी लास्ट इंस्टॉल किया हुआ रहेगा वो ऊपर आपका शो करेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए और भी ऑप्शन है, मोस्ट यूज है, आप अगर इसे ऑन कर देते हैं तो ज़्यादा आप जो यूज़ किए हैं वो आपको ऊपर शो करेगा। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आपको मैनेज के अंदर ऑप्शन मिलता है, जो कि काफ़ी कमाल का ऑप्शन है। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे डार्क मोड के अंदर है, सिंपली सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहाँ पे डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं डार्क का ऑप्शन है, डार्क पे आप अगर टैप करते हैं तो यहाँ पे डार्क मोड इनेबल हो जाएगा। और इतना ही नहीं दोस्तों यहाँ पे आप अगर डार्क मोड सेटिंग पे जाते हैं, यहाँ पे आपको काफ़ी सारा ऑप्शन मिलता है,
ये देखिए यहाँ पे नया तीन सेटिंग आया है, जैसे कि आपका जो ये डार्क मोड है, ओके, ब्लैक कितना ब्लैक चाहिए यहाँ पे आप अपना हिसाब से सेट कर सकते हैं। ये देखिए फुल ब्लैक है, यहाँ पे मीडियम है और यहाँ पे जेंटल है, तो ये एक्चुअली ग्रे दिखेगा, हल्का डार्क दिखेगा और फुल डार्क दिखेगा, इस तरीके से सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों और भी काफ़ी सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये काफ़ी कमाल का फीचर है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पावर बटन में फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है और हम लोग फ़ोन भी कुछ इस प्रकार से पकड़ते हैं और फिंगर पावर बटन पे जाते ही यहाँ पे लॉक ओपन हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम आपको अगर हो रहा है तो यहाँ पे दोस्तों इसका सॉल्यूशन है, सिंपली सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने का तो स्क्रॉल डाउन कीजिए और यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट एंड पासवर्ड वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ पे फिंगरप्रिंट है, इस पर टैप कीजिए, आप अपना पैटर्न डाल दीजिए। यहाँ पे स्क्रीन ऑफ अनलॉकिंग करके ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आप अगर टैप करते हैं तो यहाँ पे देखिए फ्रेम टच है और लाइट टच है, तो फ्रेम टच पर आप अगर कर देते हैं तो ये आपका स्क्रीन लॉक रहेगा, जितना भी आप पावर बटन या फिर फिंगरप्रिंट सेंसर बोलिए टच कीजिएगा तो ये लॉक ओपन नहीं होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ओके। और जब तक टैप नहीं कीजिएगा ये लॉक ओपन नहीं होगा, ओके। ये देखिए टैप करेंगे ये लॉक ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों आप लाइट टच कर देते हैं तो ये होगा कि आपका हल्का सा भी फिंगर टच होगा ये लॉक ओपन हो जाएगा। तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हैं आपको क्या मतलब बेनिफिट मिल रहा है, ओके। उसी तरीके का दोस्तों यहाँ पे फेस लॉक का भी अंदर ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि फेस पे जाइए, ओके, यहाँ पे पैटर्न डाल दीजिए, स्क्रीन लॉक है, ओके, यहाँ पे देखिए ऑटो अनलॉक करके रखे हैं, ओके, इससे ये होगा कि आपका स्क्रीन लॉक है, जैसे ही फेस लॉक ओपन होता है ये मेरा डायरेक्टली होम पेज में आ जाता है, ओके। और आप लोग फर्स्ट टाइम अगर फेस लॉक सेट करते हैं तो कुछ इस प्रकार से रहता है आपका, यहाँ पे देखिए ये लॉक ओपन हो जाता है, इस तरीके से स्वाइप अप करना पड़ता है तब होम पेज में जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप सेट कर सकते हैं स्वाइप अप टू अनलॉक या फिर ऑटो अनलॉक, ऑटो अनलॉक कर दीजिएगा तो ये डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, वो जो पेज रहता है उस पर नहीं रहेगा, ओके। तो काफ़ी कमाल का फीचर है, इसे भी दोस्तों आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है फ़ोन के सिक्योरिटी के लिए, जो कि है ऐप लॉक। सिंपली दोस्तों यहाँ पे सेटिंग में जाना है और यहाँ पे आपको प्राइवेसी करके ऑप्शन मिल जाता है, इस पर टैप करना है। टैप करने का दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐप लॉक करके ऑप्शन मिल जाता है, इस पर टैप करना है और यहाँ पर सेटिंग पर टैप कर देना है। यूज़ अ डिफरेंट पासवर्ड टाइप है, इस पर टैप कीजिए और यहाँ पर आप अपना हिसाब से पैटर्न वगैरह सेट कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं पैटर्न सेट कर दिया हूँ, यहाँ पे कुछ मांग रहा है, यहाँ पे सेट कर लेते हैं, ओके। सेट करने का दोस्तों यहाँ पे टिक करना है, टिक करने का दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे आप जिसे ऑन कीजिएगा वो ऐप लॉक लग जाएगा, ओके। तो यहाँ पे आपको दिखाते हैं, ये देखिए यूट्यूब है, यूट्यूब में ऐप लॉक लगा देते हैं, यूज़ करते हैं। यूज़ करने का दोस्तों यहाँ पे आपको एक और सेटिंग करना पड़ेगा। ऐप लॉक लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको डबल डॉट मिलेगा, इस पर टैप करने के बाद सेटिंग में जाइए और यहाँ पे देखिए लीव ऐप अनलॉक करके एक ऑप्शन मिल जाता है, इसे ऑफ कर लेना है। इससे ये होगा कि दोस्तों आप जितना बार भी यूट्यूब ओपन कीजिएगा लॉक रहेगा, और आप अगर उसे ऑफ नहीं करते हैं तो उससे ये होगा कि बार बार दोस्तों आपका ओपन हो जाएगा एप्लीकेशन, बार बार पासवर्ड नहीं मांगेगा, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ओपन हो चुका है, ये देखिए फेस लॉक से ओपन हो जा रहा है। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो फ्रेंड्स आप लोग काफ़ी कमेंट करते हैं कि फ़ोन ऑटोमेटिक ऑफ या फिर ऑन कैसे होगा। सिंपली यहाँ पे सेटिंग में जाना है, स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे दोस्तों एडिशनल सेटिंग करके एक ऑप्शन मिल जाता है, इस पर टैप करना है। टैप करके दोस्तों यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक ऑन ऑफ है, इस पर टैप करने का दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑटो पावर ऑन कौन सा टाइम में ऑन होगा, यहाँ पे आप अपने हिसाब से टाइम सेट कर सकते हैं, सुबह 5 बजे यहाँ पे सेट कर दीजिए, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों ऑटो पावर ऑफ, जैसे 12 बजे 1 बजे यहाँ पे टाइम सेट कर दीजिएगा तो ये ऑटोमेटिकली फ़ोन ऑफ हो जाएगा, आपको बार बार ऑफ नहीं करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी कमाल का फीचर है, आप लोग पूछते हैं, यहाँ पे आपको सेटिंग मिल जाएगा तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं OTG कनेक्शन करके ऑप्शन मिल जाता है, तो आप अगर OTG लगाते हैं तो डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता है, तो यहाँ पे आप इसे ऑन कर दीजिएगा तो ये OTG भी सपोर्ट करने लगेगा, और OTG का भी वीडियो बनाएंगे। और दोस्तों आपको अगर ये टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने घर के फैमिली मेम्बर के साथ। और भी दोस्तों आपको टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो चाहिए तो कॉमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 करके अपलोड कर दूं, ओके। और फ्रेंड्स इस फोन का बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको अगर बाय करना है तो बाय कर सकते हैं। और सोशल मीडिया का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम का, तो आप अगर चाहे तो मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।